प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग का प्यार सने जो मुझको मिल रहा है उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। आज बहुत से मित्रों का अनुरोध है कि मैं शनि और बुध पर बोलूँ। मेरे प्रोग्राम को देख करके आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है। एक बार फिर सुन लीजिए, मोबाइल नंबर 9425308111 है। जिसके भी कुंडली में शनि बुध की युक्ति है या रहती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफल होते हैं, अच्छी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, उद्योग धंधों से परिपूर्ण होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। ऐसे लोग जीवन में उदार भाव धार्मिक विचार के भी होते हैं। अब आप लोगों को मैं 12 घर का प्रभाव बता रहा हूँ। लग्न का जिसका भी शनि बुध हो, ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र, मेहनती, उच्च विचार, स्वावलंबी होते हैं। दूसरे भाव का शनि बुध अगर होता है, ऐसे व्यक्ति अच्छे धन की प्राप्ति करते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं, व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, नौकरी में है तो अच्छा सम्मान प्राप्त करते हैं। तीसरे भाव का शनि बुध अगर हो, ऐसे व्यक्ति के का पारिवारिक जीवन में माता पिता भाई बंधु, ऐसे लोगों को परिवार से सहयोग मिलता है, मारूसी जायदाद मिलती है, बचपन से ही सुखी और संपन्न रहते हैं। चौथे हाउस का शनि और बुध जिसका भी दोस्त है, वो जीवन में सुंदर भोजन, सुंदर वस्त्र, सुंदर आवास की प्राप्ति करता है और सामाजिक सुख शांति प्राप्त करता है। पंचम हाउस का शनि और बुध, पंचम हाउस में शनि और बुध अगर है, निश्चित समझिए ऐसे ही लोग प्रशासनिक अधिकारी IAS IPS बनते हैं। ये बिना प्रशासनिक, इनकी शिक्षा भी प्रशासनिक अधिकारी की ही होती है। अगर ये डॉक्टर इंजीनियर भी बनते हैं तो घुमा करके ये प्रशासन के तरफ इनको जाएंगे। मिलिट्री आर्मी नेवी में भी प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। छठवें हाउस का शनि बुध दोस्तों, ये शत्रुओं पर विजय दिलाता है। शत्रु कितनों भी भयानक हो, उस पर विजय प्राप्त करेंगे, उनको मित्र बनाएंगे। जो परिवार के भी शत्रु हैं उनको भी अपना बना करके और मित्रता प्राप्त कर लेंगे। सप्तम हाउस का शनि और बुध दोस्तों, सप्तम हाउस के जिसके भी घर में महिला हो या पुरुष हो, ऐसे लोग व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन बहुत सुखी होता है। महिलाएं हैं तो उनको अच्छे पति की प्राप्ति होती है, अच्छे पति मिलते हैं। पुरुष है तो अच्छे पत्नी की प्राप्ति होती है और जीवन में ऐसे लोग सेक्सी विचार के होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, मृदुल भाव के होते हैं और इनका व्यक्तिगत प्रभाव, सामाजिक प्रभाव बहुत ही मृदुल और मधुर होता है। अष्टम भाव का शनि और बुध दोस्तों, अष्टम भाव में अगर शनि बुध है, ऐसे लोग स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, इनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी आएगी। कफ, BP, डायबिटीज संबंधी रोग उत्पन्न हो सकता है। नौवें भाव का शनि और बुध दोस्तों, ऐसे लोग धार्मिक विचार के होते हैं, धर्म के तरफ रुझान होता है, मंदिर तीर्थयात्रा सामाजिक कार्य करते हैं, धर्मशाला बनाते हैं और उच्च पद को प्राप्त करते हैं। दसवें हाउस का शनि और बुध, ऐसे लोग उद्योगपति बन जाते हैं, जीरो से चल करके करोड़ों रुपए में खेलते हैं। इन ऐसे लोग अपने जीवन में सुंदर घर, सुंदर मकान, सुंदर वाहन
की प्राप्ति करते हैं। 11वें हाउस का शनि बुध, दोस्तों 11वें हाउस का शनि बुध जिस भी सज्जन का हो, ऐसे लोग परिश्रम से अधिक सफलता प्राप्त करते हैं, अक्षमातिक धन की प्राप्ति करते हैं, इनके सोचे कार्य पूरे होते हैं, विदेश भ्रमण करते हैं, दूर दूर तक ख्याति प्राप्त करते हैं। 12वें हाउस का शनि और बुध, 12वें हाउस का जिसका भी शनि बुध होता है, दुर्भाग्य से ऐसे लोग धन संपत्ति के तरफ से दिमाग को अपने हटाते हैं, संन्यास के तरफ जाते हैं और चौथे पन में ईश्वर भजन के तरफ इनका झुकाव जाता है। ऐसे लोग पूरे तीरथ को करते हैं और विश्व में अच्छी अच्छे व्यक्ति का प्रभाव दे करके, अच्छा सोच बना करके अपने जीवन का समापन करते हैं। दोस्तों आखिर में, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना पाऊँगा, छोटा वीडियो है, शनि बुध के बारे में जब भी आपकी इच्छा हो, ये बहुत अच्छी युक्ति है, हमसे जब भी पूछें मैं आप लोगों को इससे अधिक बताऊंगा। शनि बुध के बारे में मोबाइल पर हमसे संपर्क करिए और ईश्वर करे कि जिसके भी शनि में, शनि और बुध है कुंडली में, वो एक सफल इंसान माना जाता है, पारिवारिक रूप से सफल रहेगा, आर्थिक रूप से सफल रहेगा, व्यापार के रूप से सफल रहेगा और नौकरी के रूप से सफल रहेगा। ऐसे लोगों के संतान पूर्ण योग्य और कथनानुसार होते हैं। इतना कह करके मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों से नमस्कार और विदा लेता हूँ।